Hello friends, this is Sunil from Ads Optimizer. Friends, today we are going to learn about how to do social book marketing. So friends, if you want to learn SEO, so you know about already we have started a session from day one and the classes is going on day by day. So we are going to add social book marketing session on the same playlist. So उसका लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा आपको. सो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि सोशल बुक मार्केटिंग कैसे करते हैं. तो फ्रेंड्स सिंपली मैं गूगल ओपन कर लेता हूँ एंड गूगल ओपन करने के बाद से यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ सोशल बुक मार्केटिंग. तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि सोशल बुक मार्किंग क्या होता है. तो फ्रेंड्स सोशल बुक मार्किंग का मतलब होता है कि जो भी प्लेटफॉर्म अवेलेबल है जहाँ पे लोग सोशली कनेक्टेड हैं. आप कहेंगे कि यू नो फेसबुक पे भी हम कर सकते हैं. तो फ्रेंड्स फेसबुक भी सोशल बुक मार्किंग की वेबसाइट की लिस्ट में आता है. बट सोशल बुक मार्किंग की लिस्ट जो वेबसाइट होती है उनकी लिस्ट अलग होती है. अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे तो डेफिनेटली पता चल जाएगा. सो फ्रेंड्स सोशल बुक मार्किंग क्या होता है. सो सोशल बुक मार्किंग बेसिकली सोशल बुक मार्किंग एक प्रोसेस है, एक एक्टिविटी है जिसके थ्रू हम लोग किसी एक वेबसाइट के मल्टीपल या इंटरनल लिंक्स को हम दूसरे वेबसाइट पे ऐड करते हैं. सो सिंपली अगर इसके डेफिनेशन की बात कही जाए तो उसका डेफिनेशन होता है सोशल बुक मार्किंग एक प्रोसेस है जो आपको हेल्प करता है कि आप किसी एक वेबसाइट को लिंक को मेन लिंक या इंटरनल लिंक्स को सोशल बुक मार्किंग वाली वेबसाइट पे आप लिस्ट करें. तो ये था डेफिनेशन. एंड फ्रेंड्स इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं. फ्रेंड्स इसके एडवांटेजेस होते हैं कि जब भी आप एक वेबसाइट को किसी सोशल बुक मार्किंग वाली वेबसाइट पे आप ऐड करते हैं तो फ्रेंड्स वहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे लोग होते हैं जो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं. तो फ्रेंड्स वहां से फर्स्ट जो आता है वहां से आपके पास रेफरल ट्रैफिक आएगा. रेफरल ट्रैफिक जैसे आएगा तो रेफरल ट्रैफिक के साथ आपके वेबसाइट पे जो है नंबर्स ऑफ ट्रैफिक इंक्रीज हो जाएंगे. एंड जैसे इंक्रीज होता है तो आपके वेबसाइट का पेज अथॉरिटी इंक्रीज होता है एंड साइमल्टेनियसली आपके वेबसाइट का डोमेन अथॉरिटी भी इंक्रीज होता है. फ्रेंड्स अगर आपकी वेबसाइट का आपने सोशल बुक मार्किंग आप कंटिन्यू कर रहे हैं सो फ्रेंड्स आपका वेबसाइट जल्दी इंडेक्स होगा, आपके वेबसाइट का पीए और डीए भी इंप्रूव होगा. तो फ्रेंड्स ये ध्यान रखिएगा. एंड इसके एडवांटेजेस में एक पॉइंट और भी ऐड करना चाहता हूँ कि ये ऑफ पेज एसईओ का सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ हैं फ्रेंड्स. तो फ्रेंड्स इसे प्लीज़ स्किप मत करना. इसे स्किप करोगे तो आपका वेबसाइट फास्टेस्ट इंडेक्स होगा. सो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हम सोशल बुक मार्किंग कैसे करते हैं. व्हाट आर द स्टेप्स टू डू सोशल बुक मार्किंग. तो सोशल बुक मार्किंग करने के स्टेप्स मैं आपको वीडियो में बने रहिए, आपको डिफरेंटली पता चल जाएगा. सिंपली आपने गूगल ओपन करना है. गूगल ओपन करने के बाद आपने यहाँ पे टाइप करना है सोशल बुक मार्किंग साइट्स लिस्ट फॉर इंडिया. तो फर्स्ट लिंक को आप ओपन कर सकते हैं एंड और भी लिंक है फ्रेंड्स, आप उनको भी ओपन कर सकते हैं. बट फर्स्ट लिंक मैंने ओपन इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे गूगल बुक मार्क्स, लिंक्डइन, फेसबुक काफी अच्छे अच्छे नेम्स गिवन है. एंड यहाँ पे देखिए इनका डीए भी गिवन है. डीए मीन्स डोमेन अथॉरिटी. सो डोमेन अथॉरिटी भी 96 है. तो फ्रेंड्स अगर आपने सोशल बुक मार्किंग करनी है तो फ्रेंड्स ध्यान रखिए कि आप जिस भी वेबसाइट पे सोशल बुक मार्किंग कर रहे हैं उसका पेज अथॉरिटी और डोमेन अथॉरिटी आपके वेबसाइट से हायर हो तो ही आपको बेनिफिट मिलेगा उसके साथ. एक कहते नहीं है कि अच्छे लोगों की संगति से अच्छे असर हमारे पर आना शुरू हो जाते हैं. तो दिस इज द सेम. तो ये मैंने ओपन कर लिया.
एंड स्क्रॉल डाउन में कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला है गूगल बुक मार्क्स। ये डिसकंटिन्यू हो गया, सो चलिए छोड़ते हैं इनको हम। देखिए ये vk.com है। सो हम यहाँ पे vk.com ओपन कर लेते हैं। फ्रेंड्स, vk.com जैसे लोड हो गया, सो आपने अगर इस पे आपने अगर प्रोफाइल बनाया हुआ है तो आप लॉगिन कर लीजिएगा। अगर प्रोफाइल नहीं बनाया है तो आपने क्या करना होता है, साइन अप करना होता है। सो आप साइन अप पे क्लिक कीजिए। साइन अप पे क्लिक करने के बाद से देखिए ऑटोमेटिकली ये नेक्स्ट ऑप्शन आ गया। सो यहाँ पे एंटर फोन नंबर। सो हम यहाँ पे +91 कर लेते हैं एंड मैं यहाँ पर फ़ोन नंबर एंटर करता हूँ 7011706790 एंड कंटिन्यू। एंड इसे आपने क्लियर करने हैं सेंड। सो अब यहाँ पे 2 स्टेप वेरिफिकेशन आ गया। सो मैं फोन चेक कर लेता हूँ। फ्रेंड्स, मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया है। आप मुझे स्विच ऑन करना पड़ेगा। चलिए इसको हम स्किप कर देते हैं, कोई और लिस्ट देख लेते हैं। माई स्पेस है, इसको हम ओपन कर लेते हैं। कॉपी myspace.com। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे भी अगर आपने सबसे पहला काम है कि आपको इस वेबसाइट पे आपको अपनी लॉगिन आईडी क्लियर करना, लॉगिन आईडी बनाना पड़ेगा। सो हमने ऑलरेडी लॉगिन आईडी बनाया हुआ है इसके ऊपर। मैं एक बार ओपन कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, ऑलरेडी जिस पे हम सोशल बुक मार्किंग कर रहे हैं, हम वो वेबसाइट ले लेते हैं ताकि आपको समझाने में आसानी रहेगी। तो हम पहले डिगो ओपन कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे डिगो ओपन कर लिया। जैसे मैं डिगो ओपन करता हूँ, सो ये ऑलरेडी हमने डिगो पर लॉगिन किया हुआ है, तो ये ऑलरेडी लॉग इन हुआ ही ओपन होगा। देखिए ऐसे लॉग इन होता है। मैं इसको साइन आउट कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको साइन अप करने पड़ेंगे एंड साइन अप करने के लिए फॉर्मेलिटीज होती हैं। आप फॉर्मेलिटीज को पूरे कीजिएगा एंड आप वो पूरा कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, यू नो आपको पता ही है, आपको जैसे जीमेल पे आईडी बनाते हैं या भीम आईडी बनाते हैं, उसी तरह से आप आईडी बना के इसको क्रिएट कर लीजिएगा। उसके बाद से जैसे आपको क्रिएट हो जाता है, आप साइन इन कीजिए। साइन इन करने के बाद आपके सामने जो डैशबोर्ड आएगा, फ्रेंड ये आपको वेरीफाई करना होता है, अदरवाइज आप लॉग इन नहीं कर पाएंगे। सो हेयर चिमनी, ये है चिमनी, ये है एंड और नहीं है, वेरीफाई करते हैं। मैं इसका आईडी पासवर्ड चेक कर लेता हूँ। अगर नहीं ओपन हो रहा है तो साइन इन विद गूगल कर लेता हूँ। ये फ्रेंड्स लॉगिन हो गया। सो यहाँ पे जैसे आप लॉगिन करेंगे ऐसा डैशबोर्ड आएगा। इस पे आपने प्लस पे क्लिक करना है एंड प्लस पे क्लिक करने के बाद से ये फर्स्ट वाला ऑप्शन आपने लेना है। सो यहाँ पे आप यूआरएल आपको एंटर करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो यूआरएल एंटर करना है, सिंपली आप गूगल ओपन कीजिए एंड गूगल में वेबसाइट ओपन कर लेते हैं। सो मैंने एड ऑप्टिमाइजर की वेबसाइट ओपन कर लिया। और आपने जो भी यूआरएल, आपने सारे ही यूआरएल आपके आपको अपनी वेबसाइट का या जिस भी वेबसाइट का आप एसईओ कर रहे हैं उसका मेन यूआरएल से लेके, इट मीन्स होम होम यूआरएल से लेके
इंटरनल सारे लिंक जो लिंक है वो आपको ग्रेजुअली आपको वो उसकी सोशल बुक मार्किंग करनी होती है। तो मैं होम पेज का यूआरएल कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, देन नेक्स्ट पे क्लिक करना है आपने। देखिए ऑटोमेटिकली टाइटल ऑप्ट कर लिया, इसके बाद से आपने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन एंटर करना है। तो मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन कुछ अबाउट में से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद आप यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। एंड फ्रेंड यहाँ पे टैग्स है, टैग्स में आपको वो कीवर्ड देने हैं जिस पे आपने इस कंटेंट को या इस वेबसाइट के या इस यूआरएल को आपने रैंक कराना है। तो फ्रेंड्स कीवर्ड तो ऑलरेडी आपको दिख रहा है यहाँ पे टाइटल में, तो यही कीवर्ड मैं यहाँ पे इंपोर्टेंट कमाई में डाल देता हूँ। फ्रेंड्स आपको इंपोर्टेंट कमाई में ही डालना है, अगर इंपोर्टेंट कमाई नहीं डालेंगे तो डिजिटल अलग जाएगा, मार्केटिंग अलग जाएगा, एजेंसी अलग जाएगा, तो वो एक साथ कंबाइंड नहीं होगा। तो आपको ये एक साथ ही डालना है आपको इंपोर्टेंट कमा में, अदरवाइज तीनों वर्ड ही इंडिविजुअल टारगेट हो जाएंगे। देन आपने ऐड करना है। तो देखिए ये यहाँ पे ऐसे आ गया, अदरवाइज अगर हम इंपोर्टेंट कमा में नहीं डालते तो सोशल अलग जाता है, मीडिया अलग जाता है, एजेंसी अलग जाता है, तो ऐसे आपने करना होता है। तो फ्रेंड्स ये डिगो था, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे हम ले लेते हैं स्कूप, ले लेते हैं स्कूप, बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो फ्रेंड्स स्कूप पे आप आईडी बना लीजिएगा, वेरीफाई कर लीजिएगा, एंड उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे आपने आईडी बना ली, वेरीफाई कर ली, तो आपने लॉगिन करना पड़ेगा। तो लॉगिन करने के बाद से आपको ये वाला डैशबोर्ड दिखेगा। इस वाला डैशबोर्ड में आपको यहाँ पे पेस्ट है यूआरएल, आपने यहाँ पे एक यूआरएल पेस्ट करना है। सो हमने होम पेज की करनी है बुक मार्किंग, सो मैंने कॉपी कर लिया एंड यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। देन यहाँ पे आपने क्लिक करना है एंड वेट करना पड़ेगा, 2-3 सेकंड का टाइम लग सकता है। तो देखिए ये ऑटोमेटिकली वो जो होम पेज में जो भी कॉन्टेंट है और उसमें जो भी मेटा कॉन्टेंट डाला हुआ है ऑटोमेटिकली उसने डेटा रिट्रीव कर लिया। अब यहाँ पे आपको टैग्स, तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो टैग्स आपको देने हैं आपको वही टैग देने हैं जिस पे आपको ये यूआरएल आपको इंडेक्स करवानी है। सो मैंने ये डाल दिया, देन कॉमा। कॉमा देन आपने ये डाल देंगे, तो ऐसे करके आपका ये आपको जो भी कीवर्ड आपने ऐड करने हैं, ऐड करने के बाद से आपने यहाँ पे पब्लिश करना है। उसके बाद से आप क्लोज कर सकते हैं या व्यू योर स्कूप पे क्लिक करके आप ये इस वाले यूआरएल को आप रख सकते हैं, क्योंकि आपने ये रिपोर्ट्स में भी आपने ऐड करनी होती है। तो आप इस ऐसे यूआरएल को कॉपी करके आप पेस्ट कर ले। फ्रेंड्स इस पे आपने देखा होगा कि ये जो लॉग इन आईडी है किसी और क्लाइंट का है। तो फ्रेंड्स आप जितने भी क्लाइंट हैं उनके लिए अलग 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 आईडी बनाएं और उनकी आईडी से ही करें, किसी और आईडी से आप ना करें तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा। तो फ्रेंड्स ये था सोशल बुक मार्किंग। मैंने आपको स्टेप दो दो मैंने दो प्लेटफॉर्म पे मैंने आपको सोशल बुक मार्किंग ऐड करके दिखाया है। तो फ्रेंड्स इस स्टेप को फॉलो करें, डेफिनेटली आपको आपको आप इजली आप सोशल बुक मार्किंग कर पाएंगे। एंड फ्रेंड्स मैं आई बटन पर लिंक डाल दूंगा कि इससे रिलेटेड और भी वीडियो है तो वो भी देखेंगे। तो इसके अदर जो मॉड्यूल्स है लाइक ईमेल सबमिशंस, गेस्ट पोस्टिंग, वो भी सारे मॉड्यूल्स आप वन बाई वन आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन सो प्लीज कमेंट बिलो एंड प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। हैव अ गुड डे, बाय, टेक केयर।